तो राहत मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है शैल जी। 16,000 करोड़ का जो ब्याज था उसके सामने आप 35% इक्विटी सरकार को दे रही है। सरकार एक बहुत बड़ी हिस्सेदार वाली एंटिटी बन जाएगी वोडाफोन आइडिया में। लेकिन मेरा प्रश्न ये है शैल जी कि निरंतर लगातार पिछले कई महीनों से उपभोक्ताओं की संख्या में कमी देख रहे हैं हम, और वो कमी करीबन 15 लाख से 25 लाख तक ग्राहक ये गंवा रहे हैं, और ये आंकड़े हमारे समक्ष है। दूसरी तरफ हम ये 16,000 करोड़ के ब्याज को छोड़ भी देते हैं शेठ जी, तो इसको छोड़ के कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर जितनी डेट है वो आप कैसे सर्विस करेंगे? आपको कोई सरचार्ज नहीं देना है, आपको कोई स्पेक्ट्रम चार्ज नहीं देना है, आपको और दूसरे कोई भरपाई नहीं करनी है। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है शैल जी कि निरंतर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने 4G सुविधाओं को दुरुस्त रखने के लिए, और आने वाले समय में जो हम 5G की बातें सुन रहे हैं उसमें तो जाहिर है आपको पैसे लगाना ही पड़ेंगे। तो वो राशि जो है लिक्विडिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ से आएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बैलेंस शीट के लेकर के हम जितनी बातें कम करें वही बेहतर है, क्योंकि परिस्थिति और आंकड़े भी हमारी समक्ष है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप ड्यूपोली नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक कमजोर एंटिटी में अगर सरकार एक बड़ा हिस्सेदारी ले लेती है तो उससे क्या बाकी जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएगी, ये मेरे समझ से विपरीत है। और मैं समझता हूं कि आगे जाकर के देखना पड़ेगा किस प्रकार की परिस्थिति होती है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर निजी तौर पर मैं कोई राय नहीं दूंगा खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की, क्योंकि फंडामेंटल कवरेज नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिली है, अब देखना होगा कि कुंडली कैसे परिवर्तन होती है। ये आपके सामने वोडाफोन आइडिया की खबर असीम जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। इस कंपनी ने 35% सरकार को हिस्सेदारी अपनी बेची है, एवज में 16,000 करोड़ रुपए जो स्पेक्ट्रम चार्ज और ब्याज देना था वोडाफोन आइडिया को अगले 4-1 साल में। ध्यान दीजिए, वोडाफोन आइडिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 43,000 करोड़ है, तो अगर आप उसका 35% निकालेंगे तो आप समझिए कि लगभग 15,000 करोड़ के आसपास वो आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। और वही आप देखिए वैल्यू जो इस कंपनी को देनी थी सरकार को, उसके एवज में यहाँ पर सरकार ने एक हिस्सा इस कंपनी में खरीदा है, और अब भारतीय सरकार वोडाफोन में सबसे बड़ी